यौली मदद, ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। राबता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर, फोन 6364641, मोबाइल 0300-421-7741, प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्जा, अली खुर्रम मिर्जा। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। इन्ना यासीन कल्बुल कुरान, सुभान अल्लाह, वाह वाह, यासीन कुरान का दिल है। मैंने कहा, बड़ी बेनियाजी से आपने सुना, इसलिए कि इतने से थे ये फितरा आप सुनने लगे, लेकिन मौलवियों ने तुम्हें हदीस तो इसी तरह सुनाई कि इन्ना यासीन कल्बुल कुरान, और तर्जमा ये किया कि सूरा ए यासीन कुरान का दिल है। हदीस में सूरा नहीं, सिर्फ यासीन। मौलाना हदीस मौलवियों ने इसी तरह पढ़ी कि इन्ना यासीन अल्बुल कुरान, और तर्जमे में पता नहीं जान के डंडी मारी या गलत फहमी हुई, तर्जमे में कहा सूरह यासीन कुरान का दिल है। नहीं, खैबर शिकन ने सिर्फ इतना ही फरमाया था कि यासीन कुरान का दिल है। नहीं, मैं फिर वापस आता हूं। इसी तरह ज़हीर भाई, उस हदीस में भी इल्मी गलत फहमी है, वो भी अमीर कायनात की हदीस है, फैली हुई आलम इस्लाम में 73 फिरके की किताबों में मैंने पढ़ रखी है। फरमाया अली बादशाह ने एक दिन बरसर मिंबर, कुल्ल मा कान मिन अल उलूम फिल कुरान व कुल्ल मा कान फिल कुरान फी यासीन व कुल्ल मा कान फी यासीन फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल मा कान फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिल बा व कुल्ल मा कान फिल बा फिर नुक्तातुल लती या तहतल बा व अनन नुक्तातुल लती या तहतल बा। यहाँ भी मौलवियों ने सूरतों के लफ्ज़ सरदार साहब अपनी तरफ से शामिल किए। अली तो ये फरमाते, कायनात में जितने इल्म हैं वो कुरान में है। और अगर यह तर्जमा किया जाए, और जो कुछ कुरान में है वो सूरह यासीन में है, तो फिर मानना पड़ेगा कि सूरह यासीन कुरान नहीं है। भाई पहले ये कह दिया जाए कायनात के उलूम कुरान में, तो कुरान तो गिना गया, और फिर कहा जाए जो कुरान में वो सूरह यासीन में, तो इसका मतलब है कुरान और है। जबकि मेरे मौला ने सूरह का नाम ही नहीं लिया, फरमाया जो कुरान में है वो यासीन में है, और जो यासीन में है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बा में है वो नुक्ते में है, और नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह,
ख्याल से चंद मिनट की कुर्बानी दे लिया करो पहले आने की, आगे आने का जिसको शौक हो वो 9 बजे से पहले यहाँ मौजूद हो। हाँ सीधी सी बात है, कल बैठने के बाद मैं किसी को फिर आगे नहीं आने दूंगा। मेरा रटा रटाया नहीं होता कि तुम आते रहो, बंदे फलांगते रहो और मैं आमोखता तोते की तरह सुनाता रहूं। मैं तो सामीन के राबते के साथ चलता हूं और फिर दरवाजे खुलते चले जाते हैं। पता नहीं कहा क्या था मैंने, जो जो कुरान में है वो यासीन नहीं, अब बात खोल खोल के करूं। जो कायनात में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो मोहम्मद में है। और कोई ज्यादा लंबी मियाद नहीं गुजरी। जहीर भाई का जो इशारा पढ़ा मैंने 28 मुहर्रम से हकीकत बिस्मिल्लाह पर, तो बताया उसमें मैंने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ हैं 19, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन इन 5 नामों के हर्फ भी हैं 19। वो सीढ़ियां वहां से सुन लेना, उसे दोहराने का वक्त नहीं है मेरे पास। अली फरमाते हैं जो कायनात में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो मोहम्मद में है, जो मोहम्मद में है अकेले में नहीं, हम 5ों में है। पहले बता दूं, फराना एक फारसी शायर की नजर को दाद दीजिए, सदियों पहले गुजरा, अल्लाह उसके दराजात बुलंद फरमाए। ऐसे लोगों के लिए जन्नत की दुआ नहीं करते, जन्नत में तो वो पहले ही होते हैं, उनकी बुलंदी या दराजात के लिए दुआ करते हैं। उसने नज्म है लंबी, मैं वो सारी नहीं, मैं तो सिर्फ एक मिसरा, जो शायर मिजाज लोग हैं उनके लिए और जो हुस्न शेर की नज़ाकत को समझते हैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं दुनिया पागल हुई फिरती है कि रसूल का साया नहीं था, साया नहीं था, साया नहीं था। सूरज जब सर पे हो चीजों का साया गायब हो जाता है। वो कहते हैं नबी का साया क्यों नहीं, आफताबे चूं अली दर सौया पैगंबरस। वो कहते हैं जब मोहम्मद के साए के नीचे अली जैसा सूरज हो। नबी के साए के नीचे है तो फिर साया कहां दिखाई दे। मैं बता चुका हूं उस इशरे में, ज़ुहूरे मशीयत का नाम है नुक्ता और ज़ुहूरे हकीकत मुहम्मदिया का नाम है बे। जब हकीकत मुहम्मदिया जाहिर हुई वो बे, जब नुक्ता जाहिर हुआ वो है ज़ुहूरे मशीयत, यानी अल्लाह की मशीयत ने जब पैकर ओढ़ा अली बना। चूंकि हकीकत मोहम्मदिया पर्दे में थी, अली ने सूरज बन के रोशनी डाली तो जाहिर हो गया ये है मोहम्मद।
बढ़ा दे। अब फिर वापस आओ, जो कायनात में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो मोहम्मद में है, जो मोहम्मद में है हम पांचों में है, जो हम पांचों में है वो हकीकत मोहम्मदिया में है, जो हकीकत मोहम्मदिया में है वो ज़हूर मशीयत में है, और ज़हूर मशीयत में अली ही तो हूँ। कैमरे के पीछे वाले घबराए हुए तो नहीं? अब बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो कैमरे के पीछे है ना, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सामने नूर है, सामने रोशनी है। लाहौर वालों चैलेंज कर रहा है गजनफर, अल्लाह ना कल गायब था, ना आज था, ना कल होगा, नजर क्यों नहीं आता? सामने 14 नूर जो है, बात नहीं, यासीन लकब है तेरे नबी का। हाँ, दो मौलवी साहबान तो मेरे सामने है कि और भी अगर बैठा और भी दान किसी ने देखी हो, मौलाना ये हदीस है या नहीं? जब सूरक का नाम लिया गया तो फिर यूं हदीस मैंने देखी, इन्ना सूरत अल फातिहते बाबुल कुरान व सूरत यासीन उरूसो। फरमाया सूरह फातिहा कुरान का दरवाजा है। सूरह फातिहा बाबुल कुरान दरवाजा है, इसीलिए तो नाम फातिहा खोलने वाली। कुरान का दर खुलता है। अब एक बंदा कहे मैं फातिहा से न गुजरूं, कुरान तक रसाई नहीं होती। और इसी तरह तेरे रसूल की भी हदीस है, मौलवी कतर देते हैं पूरी हदीस समझा, यूं पड़ी थी तेरे रसूल ने, मले घर अना मदीना तो रेल में वाली उन बाबोहा फमन अराद अल मदीना तफल यात बिल बाब काजब मन जामाई यात अल मदीना तल्ला मिन क़िबल अल बाब। ये है पूरी, मैं अल इल्म का शहर हूं, इल्म का नहीं, अल इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, जिसे मदीने में आना हो फल याते बिल बाप, तो वो दरवाजे से आए। आगे रसूल फरमाते कज़बा
من زعم آیات المدینۃ الا من قبل الباب, فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے میں مدینے تک پہنچا بغیر دروازے کے. تمہارا دل چاہے کبھی کبھی کیمرہ پھیر لیا کرو تاکہ میں پیچھے والوں کو بھی دیکھ سکوں. دیکھ رہے ہیں اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مبدی, انہوں نے امیر کائنات کے دیوان کی شرح لکھی ہے. حالانکہ شیعہ نہیں, شرح پڑھو تو نشہ ہی اور آئے. وہ سنی عالم لکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ اگر کہے نا میں نے خواب میں یا جیتے جاگتے رسول کی زیارت کی, سل ہو سوال کر اس سے حل رائے تھا علی, رسول سے پہلے علی کو دیکھا تھا؟ ہم میں سے کوئی کہے وہ اور بات ہے, علامہ مہبدی کہہ رہے ہیں اسے پوچھو حل رائے تھا علی, علی کو دیکھا؟ اگر کہے نہیں, کہنا کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ نبی سے ملا ہوں. نہیں, میں نے حدیث میں تسلیم شاہ جعفر نقوی بتائی, نبی بھی کہتا ہے جھوٹا ہے وہ جو کہے میں شہر تک آیا دروازے کے بغیر. اور ایک اہل سنت کے علامہ کا بیان تائید میں دیا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے میں مدینے سے ملا دروازے کے بغیر, 73 فرقے فکرہ کہنا لگا کہنے لگا ہوں حلالی و جاگنا, بھری پڑی ہے کتابیں, پک گئے ہیں میرے کان سن سن کر کہ شب معراج آسمانوں پہ تیرے نبی سے سارے نبی ملے, یا معراج پہ دروازہ لے جا یا مدینے کو بھی واپس لے. تمہارے شہر کی بات کرتا ہوں, مچی دروازہ ہے, بھاٹی دروازہ ہے, لوہار کے بہت سارے ہیں. اب مجھ میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں تمہارا شہر اٹھا لوں, اٹھا لوں پورا شہر اور اسے چلانا شروع کر دوں. اب میں نے ایک فرلانگ چلایا شہر کو یوں, دروازہ تو آگے جائے گا نا, میں چاہے ہزاروں میلوں لے جاؤں یا ہواؤں میں بلند کر دوں, دروازہ آگے آگے شہر پیچھے پیچھے. اور سردار صاحب یہی سریت تھی, یہی راز تھا, یہی اسرار تھے شب معراج.
रसूल बराक को एड़िया मारते रहे, वो रह गया, रफ रफ मंगाया, दम तोड़ा, बहरम मंगाया, हाँप के गिर पड़ा, लेकिन अली को पकड़ न सके। कैसे पकड़ते, ये शहर वो दर बुराक पकड़ सका, न रफ रफ पकड़ सका, न बहरम पकड़ सका, पकड़ भी नहीं सकते। इशारा है, एक इशारा है, और तनाजुर से तो दिलदार जाफरी गुजर गुजर के मैंने सैकड़ों बार मेंबर से आयत पढ़ दी, आज इस तनाजुर में पढ़ने लगा हूं। जागना, हर शय का आलम मानवी में जैसे वजूद है, आलम जाहिर में भी उसकी एक अलामत है। इस पर भी मैंने आपके अशरे में भी बहस कर रखी है। इल्म अगर मादी शक्ल में आए तो दूध बनता है, हयात शक्ल इख्तियार करे तो पानी बनती है। नबुवत की मादी शक्ल है सूरज, और विलायत की है चांद। अल्लाह जाने बैठे हैं मेरे सामने या चले गए हैं, इसीलिए वह शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है सूरज और उसकी रोशनी की जो तेरे नबी की कसम खाई, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे आ रहा है, ये अली की कसम खाई। सूरज नबी, चांद अली, शम्स नबी, कमर अली, इसी यासीन के सूरा में कह रहा है, लशम्सो यम्बगी लहो अंतोद्रे कल कमर, दौड़ में सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता। आखिर अल्लाह ऐसे ही तो अल्लाह नहीं है ना, उसने ये भी देखा, हो सकता है कोई जाहिल चांद को ज्यादा ताकतवर समझ ले, सूरज को कमजोर समझ ले, कहीं अली को नबी से न बढ़ा ले, तो लफ्ज क्या इस्तेमाल किया मौलाना, लशम्सो यम्बगी, ये सूरज की शान नहीं, ये सूरज की शान नहीं कि वो चांद को पकड़े, क्योंकि मैंने तरतीब ही ऐसी रखी है, सूरज को मदीना बनाया है। जा, मैं राजी हूं तुमसे, मैंने जो पैगाम देना था दे लिया, अब जाऊं। एक मोमन ने तो इजाजत दे दी। हाँ, बिस्मिल्लाह रोकने के लिए भी इनसे होती है, रोकने के लिए भी होती है। नूह की कश्ती चलती भी बिस्मिल्लाह से थी, रुकती भी बिस्मिल्लाह से। तो अब समझ गए हो ना मेरे दोस्तों, पले पड़ी बात।
सूरह यासीन की बात नहीं, यासीन की, और यासीन है तेरा रसूल। मौलाना जो इल्हाम होता जाता है मैं आप तक पहुंचाता जाता हूं। 73 फिरके के हामजद ये है, मेशक शफीक पूछ लेना जिस आलम से मर्जी आए, हर फिरके के नजदीक ये मुसल्लम है, नजा के वक्त सूरह यासीन पढ़ा करो। क्यों? अगर आई हुई घड़ी है तो जल्दी जान निकल जाएगी, नहीं आई तो शिफा हो जाएगी। नहीं नहीं एक मद्दबाना इल्तिमास है, आप भी अपनी अदाओं पे गौर कीजिएगा। हाँ बस मैं तो साहिबान इशारत के लिए इशारा छोड़ रहा हूँ। मैं एक एक आलम के, हर फिरके के आलम के दरवाजे पे गया, ये मरते हुए के सराने यासीन क्यों पढ़ी जा रही है, वजह क्या है? कहा है तुझे सुल्तान उल उलमा के खिताब मुफ्त में मिल गए, तू इतना ही नहीं जानता। चूंकि सूरह यासीन में उसूले दीन का इल्म है तो मरते हुए उसूले दीन की तलकीन होनी चाहिए। ना ना ना, अब ऐसे बाबा ऐसे चले जाओगे, छेड़ के जाने दूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये तुमने मान लिया कि यासीन में उसूले दीन है तो पढ़ ले यासीन को, अगर इसमें इमाम का जिक्र नहीं तो इमामत उसूले दीन में नहीं। शैना शैना हो फी इमाम मुबीन है, तो फिर मान उसूल दीन में है। ये हदीस क्या पढ़ी थी मैंने, जब सूरत का नाम लिया, इन्ना सूरत अल फातिहते बाबुल कुरान व सूरत यासीन उरूस हो, सूरह फातिहा कुरान का दरवाजा है और सूरह यासीन कुरान की दुल्हन है। यानी सिंगार है कुरान का, आरायश है कुरान की, सजावट है कुरान की। तो सूरत के वक्त ये कहा, जब सूरह के बगैर देर भाई कहा तो फिर कहा यासीन कल्बुल कुरान, यासीन कुरान का दिल है, यासीन है तेरा नबी, चले गए हो, और ये है कुरान का दिल, जिंदगी की जमानत दिल से होती है। समझ में आ रही बात? अगर दिल है धड़क रहा है, जिंदगी है, मैं कहता हूं बाजू बेजान हो जाए, टांगे बेजान हो जाए, दिमाग मालूम हो जाए, अगर दिल की धड़कन जारी है, कोई डेथ सर्टिफिकेट पे दस्तखत नहीं करेगा, हाथ सेहतमंद, टांगे सेहतमंद, दिमाग सेहतमंद, हर चीज हो, दिल ही रुक जाए, मौत वाके हो गई, तेरा नबी है कुरान का दिल, ये है तो कुरान जिंदा है। जी जी नहीं, अब यूं शाहिद खान यूं कहना चाहिए, कुरान है धड़कन, मेरा रसूल है दिल। क्यों नजर चलो, रसूल दिल, कुरान धड़कन,
इस धड़कन के लिए आखिरी लम्हे में रसूल ने क्या कहा, इन्नी तारिकुन। किताब अल्लाह है वैतरती, मेरे तरके में है दो चीजें जी, तारे कुन तरके में छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब अपनी अहले बैत, कुरान तरका रसूल मालिक, अहले बैत तरका रसूल मालिक, हर तरके का लाहौर वालों कोई ना कोई वारिस होता है और मोहम्मद की वारिस है बतूत। मेरे ख्याल कुछ कुछ थक गए हो ना, ये मोहल्ला तो थक गया है। भाई अगर कुरान तरका है रसूल का तो जो वारिस होगा उस तरके का मालिक वही होगा ना। तो मेरे नबी ने अपनी धड़कन को बतूल का तरका करार दिया, और जो सौजा का होता है वो शौहर का होता है। इसीलिए तो कुरान हल्क में फंस जाता है, हदीस है तेरे रसूल की कि मैं वो जमाना देख रहा हूं कि कुरान पढ़ने वाले बहुत होंगे लेकिन अक्सर लोगों के हल्क से नीचे नहीं उतरेगा कुरान, क्योंकि कुरान तरका है, वरासत है, जायदाद है, मिल्कियत है, शौहर की जौजा की, क्योंकि तरका जौजा का था, जौजा ने शौहर को दिया। कुरान देखता है दिल में मेरे मालिक रहते हैं या नहीं। समझ में आए, बैठे हो चले गए हो। ये है यासीन, और इसकी आल है आले यासीन। क्या कहते हैं मौलाना, एक जियारत है जिसका नाम है जियारत आशादबा आले यासीन, जियारत है, नाम ही जियारत आले यासीन, न मैंने बनाई न किसी और आलिम ने, तेरे बारहवें इमाम ने कलम से लिख के भेजी। और कहा क्या आगाज में, यही जुमले हैं, इजाओ अरत तौकी है, हदीस नहीं, सिर्फ हदीस तो वह होती है जो मासूम कह दे, उसमें इहतमाल हो सकता है कि कोई जुमला भूल गया हो रावी, लेकिन जो कलम से लिखी जाए उसमें तो कुछ रहने का इम्कान ही नहीं। तो मौला ने तौकी भेजी थी पर्दे गैब से, और लफ्ज अगर तुम जाग रहे हो, थके नहीं हो, तो छत हट जाएगी, रास्ता छोड़ देगी, तुम्हें अर्श इलाही नजर आएगा। क्योंकि सरकार बाकर फरमाते हैं कि सकफ बुयूते हम अर्श रहमान, हम 14 के घरों की छत होती ही नहीं। मौला क्यों फरमाया, हमारे घरों की छत बस अर्श है।
जी हाँ, जिनके घरों की छत अर्श, तो वही तेरे दिल के घर में रहते हैं, तो इंशाल्लाह अर्श नजर आएगा अगर मेरे रफी का सफर रहे तुम। लफ्ज ये लिखे मेरे मौला ने, इजा अरद तो मुतवज्जो हो बेना इल्लाहे व इलैना फकूलू कमा कालल्लाह अस्सलामु अलैकुम या आला यासीन। मैं जरा चेहरे देख लूं पहले कि थके हुए कितने हैं। हमारे हुबदारो, ए हमारे शियो, जब कभी अल्लाह से राबता करना हो हमारे जरिए, या हम से राबता करना हो हमारे जरिए, सही तो वादा नहीं किया था तुमसे। इला औरत तुम तवज्जो हो बेना इल्लाह व इलैना, अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी हो हमारे जरिए, हमसे तवज्जो मतलूब हो हमारे, यानी जरिया फिर भी हम तक भी आना तो हमारे जरिए। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जरिया यही है, हम अल्लाह से ऐसे राबता करते हैं, तुम हमसे ऐसे करना है। गर्मी जरूर है, हब जरूर है, लेकिन खुदा के लिए जागना, हलालियों की तरह सुनना, हलालजादों की तरह फैसला देना। तन्हाई में जो खैबर शिकन ने दुआएं मांगी वो और है, जो सरेआम मांगी वो तालीम के लिए है, जो तन्हाई में मांगी वो अलीम के लिए है। उसमें एक फिक्रा है तेरे मौला का, सुनेगा, सुनोगे, सुनोगे। अली अल्लाह से तन्हाई में बैठ के कहते थे, इलाही जे तो बेका इलेका, तेरी तरफ आया हूं, अकेला नहीं आया, तुझे साथ लेके आया हूं। तुझे साथ लेके हैं जी, मेरा मशगलाई किताबें जमा करना है। ए शायद खान सामने तुम्हें नजर आ रहे हैं, 6 मरतबा सफर ज़ियारत इन्होंने मेरे साथ किया। शायद खान कभी कंबल खरीदे मैंने, क्या बात है, क्या कहते हैं, कभी बर्तन, कभी जोड़े, कभी सोना चांदी, इतने पैसे लेके जाता हूं, किताबें लाता हूं।
जितनी शरह मौलाना आज तक लिखी गई, अब गजनफर के पास वही नहीं है जो लिखी ही नहीं गई। मैं डंगे की चोट पर कह रहा हूं, जितनी शरहें, जिस जिस किताब की जो जो शरह, जिस जिस सदी में, जिस जिस ने अपने पराए जिसने लिखी, वो सब तुम्हारे खादिम के पास मौजूद हैं। और जिसने भी अली के इस जुमले की शरह लिखी, उसने यही लिखा कि जानते हो अली क्या कह रहा है, तेरी तरफ आया तुझे लेकर, आए जे तो इलाओ साउते का बेसिफाते का। अली के कहने का मकसद है, तेरी जात की तरफ आया हूं तेरी सिफात को लेकर। जो नहीं लगाएगा सीधा सेंटर जेल जाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान फलक चिका नारा हैदरी। समझ में आ गई बात? इसी एक जुमले की शरह करने बैठूं तो अशरा चाहिए। बहरहाल तेरा बारवां इमाम फरमा रहा है, अल्लाह से राबता करना हो तो भी हमारे जरिए, हम से राबता करना हो तो भी हमारे जरिए, क्योंकि उस तक आदम भी नहीं जा सकता अगर हम ना ले जाएं। जिब्रील की रसाई नहीं अगर हम ना ले जाएं, हम ही ले जाएं, और हमारी तरफ भी ऐसे ना चले आना। अल्लाह अकबर। बल्कि एक फिक्रे में मैंने डंडी, शायद आप सोच रहे हो कि गजनफर ने ज़ियारत का एक जुमला क्यों खाया है, खाया था लेकिन अब शर्म आ गई है कि नहीं खा था। असल में शुरू ही मौला ने यहां से की ये बात कि ला ले अमरे ही ताकिलू वला मिन औलियाए ही तकबलू, ना तुम अल्लाह के अम्र को सोचते हो ना उसके वलियों से कबूल करते हो। ताकेलून, ना अकल इस्तेमाल करते हो उसके अम्र में, ना कबूल करते हो अल्लाह के औलिया से। बस जब अल्लाह की तरफ तवज्जो करना चाहो हमारे जरिए, या हमसे राबता करना चाहो हमारे जरिए, तो ऐसे ही गुस्ताख लोगों की तरह ना आ जाया करो कि ए मौला ये चाहिए, ए मौला वो चाहिए। कुलू कमा काल अल्लाह, पहले वैसे ही कहा करो जैसे हमसे अल्लाह कहता है। जी, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा मौला है, वो हमसे रूखा फीका रब्ता नहीं करता। तुम मवाली हो के रूखे रब्ते करते हो? कुलू कमा काल अल्लाह, वैसे ही कहो जैसे अल्लाह ने कहा। कैसे? अस्सलामु अलैकुम या आला यासीन, ए यासीन की आल हमारा सलाम। क्या कह रहे हो?
अल्लाह भी हमसे ऐसे कहता है, है? सूरह साफात को नहीं पढ़ा लाहौर वालों, सलाम अला अल यासी। ये जो लगत अरब पे उबूर रखते हैं वो जानते हैं, लगत बनी तय में आल को इल कहते हैं, और कुरान अरब की पूरी लगतों पर मुहित होके उतरा। कोई ये ना कह सके कि हमारी लगत इसमें न थी। समझ में आ रही बात है नहीं? यही हाशमी एजाज है कुरान का, यही उसका हुस्न बलागत है। सलाम सलाम इल यासीन, आले यासीन पर सलाम। लोगों ने क्या कहा तर्जमा, इलियास पर सलाम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओ यार वही बात है, लाले अम्र ही ताकिलून, न उसके अम्र पे अकल इस्तेमाल करते हो। ना उसके वलियों की बात मानते हो, हैं? पहली बात ये है मौलाना, लुगत अरब में तरखीम का रिवाज तो है, इजाफे का नहीं। तरखीम कहते हैं लफ्ज या हर्फ घटाने को, इजाफा बढ़ाने को, हैं? जिन लड़कों ने पहला दूसरा साल हुआ है नहव पढ़नी शुरू की हो वो भी जानते हैं कानून तरखीम को, है? हाँ, किसी बच्चे से पूछ लेना मुनादा मुरखम क्या होता है। नाम है हारिस और मौला फरमा रहे हैं या हारे हमदान, हारिस की बजाय हार। पहले पढ़ो ये बात, ये तरखीम है, यानी काम तो किए जाते हैं हारिस, बढ़ाए नहीं जाते। और फिर देखो देखो इसी सूरह साफात में शुरू सलाम कहां से किए, सलाम अला नूह फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो आलमीन में, सलाम अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर, सलाम अला इलियासीन। और इसके बाद यूनुस का जिक्र है सलाम नहीं है, लूत का जिक्र है सलाम नहीं है, दोनों इलियास से बड़े नबी हैं। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा है। एक आलिम आए आपके किबला तशरीफ लाइए, दूसरे जगह किबला तशरीफ लाइए, फिर मैं आऊं लिफ्ट ना कराएं, मेरा शागिर्द गदीरी हो इसको मेरे सामने आपके किबला तशरीफ लाइए, पढ़ूंगा खमसा तुम्हारा। शागिर्द को किबला कह के बुला रहे, मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, तो अल्लाह पे ये तोहमत तो ना लगा यार। के छोटे जुजवी नबी पर सलाम करे, न लूत पे करे, न यूनुस पे करे। पर क्या देख, मामून और रशीद के दरबार में 2000 गैर आलम थे, हर बजुल हराबेजा था, इन यहूदियों का सबसे बड़ा आलम, उसको फुल असाकेफा था, नसारा का बड़ा आलम, आतिश परस्तों के थे, गब्र थे, तरसा थे, जितनी अकवाम आलम हैं सब थे। तेरे मौला रिजा ने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने या सलाम किया है अंबिया पर या आले मोहम्मद पर। फरमाया किसी नबी की आल पे सलाम नहीं किया। कहा के आले नूह पर सलाम, नहीं बस नूह पर। ये नहीं कहा के आले इब्राहिम पर सलाम, बस इब्राहिम पर। फरमाया जब हमारी बारी आई तब अल्लाह ने कहा सलाम आले यासीन पर,
और किसी बदबخت को जुर्रत न हुई कहने की कि ये तो इलियास का जिक्र है। जी, क्योंकि वहां मादरी जबान अरबी वाले थे, तेरी तरह घोटा नहीं लगाया था अरबी का। जी, तो फरमाया जिस तरह हमारा अल्लाह हमसे खिताब करता है, जब हमारा परवरदिगार हमसे यही कहता है, ए आले यासीन मेरा सलाम, और इसमें इतने हकायक हैं, इतने असरार हैं, मौलाना कहीं नहीं देखा मैंने। बेशक तारीख पढ़ लो कि तुम्हारे चौथे इमाम ने शाम से वापस मदीना, इन करबला से शाम से मदीना, जब भी कहीं तारफ करा ये तो कहा कि नहनो इतरतुन नबी, हम नबी की इतरत है, यानी नबी के साथ इतरत। लेकिन जब आल का लफ्ज बोला तो कहा नहनो आलो यासीन, मैंने कह दिया तुम्हारे सरों से गुजर गया। शामियों हरामियों के सामने सज्जाद का ये कहना हम आले यासीन हैं, दुश्मन होके इनकार नहीं कर सके। जी, ज़िबा कर चुके थे, घर लूट चुके थे, लेकिन आले यासीन होने के मुनकर नहीं हुए। हाँ, और फिर हुज्जत इसी तरह से मनवाती है, बस तुम्हारे तसव्वुर से पहले खाली कर दिया मिंबर मैंने, मदद तुम्हारी इबादत कबूल करें। हुज्जत के मनवाने का अंदाज ही यही होता है, पढ़ना किताबें, यही मेरा फजाइल है, यही मेरा मसाइब है, यही मौजू है और यही खातिमा। कदम कदम पे ताजियाने लगे, सज्जाद ने तबलीग की, संगबारी हुई, सज्जाद ने तबलीग की, अल्लाह अल्लाह बारे तौक से गिरे तबलीग की, कहीं ठोकर आई तबलीग की, किसी ने गुस्ताखी की तबलीग की, किसी ने एहतराम किया तबलीग की, बस लफ्ज एक कहना है मुझे, समझ में आ गया तो जहां याद आएगा रोने के लिए काफी रहेगा। इसी तरह तबलीग करते करते आले यासीन का काफिला सालार शाम पहुंच गया। किसी ने यजीद मलून से कहा सज्जाद को खिताबत नहीं आती, हुसैन के दस्तार के वारिस को खिताबत नहीं आती। यजीद ने अपनी तरफ से मजाक उड़ाने को कहा इसादिल मिंबर वक्तो बिन्नास, मिंबर पे चढ़ खुतबा दे, अनबनो मक्का व मिना, मशहूर आलम खुतबा है मेरे मौला का। जब दिया शोर मचा, कोहराम मच गया, तलातम आ गया दरबार में, यजीद को डर पैदा हुआ बगावत ना हो जाए, फौरन मौजन को बुलाया, अजान शुरू कर। यहां से एक मसला और भी समझ में आता है कि इस खानदान के फजाइल को हमेशा अजानों और नमाजों की आड़ में रोका जाता है। जी, यजीद ने कहा अजान दिलवाओ, मौजन ने कहा अल्लाह अकबर, बस मैं जाने लगा हूं, मौजन ने कहा अल्लाह अकबर, मेरे वालों ने ठंडी सांस लेके कहा तू फकत जबान से कह रहा है, या शहादो दमी व लहमी व बशरी व शारी व सवादी व ब्याजी, मेरा गोश्त गवाही देता है, मेरा चमड़ा, मेरा खून, मेरे बाल, मेरी खाल, मेरी स्याही, मेरी सफेदी, हर शय, हर फिक्रे के साथ बोलते आए। अब समझने की कोशिश करना, मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सज्जाद ने जख्मी निगाहों से देखा यजीद की तरफ,
यजीद हाजा जद्दो काम जद्दी, ये जिसका नाम अजान में ले रहे हो ये तेरा नाना है या मेरा नाना है? अल्लाह अकबर। यजीद ने कहा नहीं, नाना तो तेरा है। अब जो लफ्ज सज्जाद ने बोले, अगर तू यही है तो सोच लेना, जब कहा ना तेरा नाना है, सज्जाद गश खा के गिरे, उठ के पूछा फिर बता किसका नाना है? तेरा नाना। कहा अगर मेरा नाना है, लेमा कतल तनी फिल अस्वाक, तूने मुझे बाजारों में कत्ल क्यों किया? मुझे ज़ैनब को बेरिदा क्यों दिखाया? मुझे माओ के सर नंगे क्यों दिखाए? उल्टे हाथ बंधवा के दरबारों में क्यों? بانیان کے مسائل کو شرف قبر اسم شرف مومنین و مومنات کی شرکت مبدل و صادق ماری و عزت بیان قبول فرمائے یون بی اولاد اولاد نرین عطا فرمائے یا مقروض تنگ دستیم کی تنگ دستی تنگ یہ بے گناہ قائد ہے رہائی تا جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرمائے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہور اللہم کن لولی کل حجت بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك ونتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته